इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट फॉर 2 ईयर्स एट 20% कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ पे चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है एक बार कि हमारे पास में एक सम ऑफ मनी है। सम ऑफ मनी मतलब एक थोड़ा सा अमाउंट है पैसे का, मतलब बेसिकली हमें बोल सकता हूँ उस चीज को कि प्रिंसिपल है। तो मैं बोला लेट द प्रिंसिपल बी पी, मैंने बोला पी रुपीज का मेरे पास में प्रिंसिपल है, ठीक है अभी तक इनिशियली। तो अब हमको बोला हुआ था कि इट वॉज लेंट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है 2 ईयर्स के लिए इसको लेंट किया हुआ था। तो मेरे पास में टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम इज 2 ईयर्स राइट, और बोला हुआ है एट 20% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड मतलब रेट क्या आ गया 20%, ठीक है कंपाउंडेड एनुअली। ये कौन सा पार्ट है, एनुअली का, मतलब पूरे पूरे साल के बाद, हर साल के बाद में उसको इंटरेस्ट के हिसाब से मिलने वाला, ठीक है। अब आगे बोला इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, अब क्या बोला इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, दूसरा पार्ट क्या होगा देखिए। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ध्यान रखेंगे फॉर्मूले इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इफ द इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ ईयरली, देखिए यहाँ पे वो था एनुअली, था एनुअली मतलब ईयरली था, तो हमको बोला है कि वो क्या हो गया हाफ ईयरली हो रहा है। तो हाफ ईयरली में देखिए मैं बोलता हूँ 2 साल में 2 बार पेमेंट होगी, अगर ईयरली है तो 2 साल में कितनी बार पेमेंट होगी, 2 बार होगी। तो अब अगर हाफ ईयरली है, ठीक है अगर हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट कितनी बार होगा, 4 बार होगा ना, क्यों देखिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐसे ही होगा, देखिए ये 2 बनाएगा आधा, ये हाफ महीने हाफ 6 मंथ के बाद, ये 6 मंथ के बाद, ये 6 मंथ के बाद, ये 6 मंथ के बाद, तो हमारे पास 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो पे कितनी बार हुआ ये चीज, 4 टाइम्स हुई, इसको 4 लिखते हैं हम लोग, एन की वैल्यू को यहाँ पे 4, ठीक है। अब आगे उसमें रेट तो हमारा सेम लगेगा, देखिए रेट क्या होगा 20% डिवाइडेड बाय 2, बस ये ध्यान रखेंगे अगर हाफ ईयरली होता तो हम लोग को रेट को भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ता, हमारा रेट भी डिवाइड बाय 2 हो जाता बिकॉज ये चीज़ 20% एनुअली, मतलब ये जो रेट लग रहा है हमारा वो पूरे के पूरे साल के हिसाब से लग रहा है। तो अगर मैं आधे साल के हिसाब से कंसिडर करूँगा तो रेट भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r^100 रेज़ टू द पावर टी, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ एनुअली, मतलब ईयरली वाली बात करते हैं, ईयरली की बात, ठीक है। तो ईयरली में क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ईयरली, देखिए यहाँ पे आई वाई लिख रहा हूँ मैं ईयरली, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास में पी पी इंटू 1 + r, देखिए r क्या था हमारे पास में 20 / 100 रेज़ टू द पावर 2 माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा पी इंटू, ये देखिए ये 5 से कटेगा यहाँ से मेरे पास में, तो 5 + 1 एलसीएम ले लूंगा तो 6/5 का होल स्क्वायर माइनस पी राइट। तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 36p/25 माइनस पी, दिस विल बी माय इंटरेस्ट ईयरली, आई वाई इंटरेस्टेड ईयरली, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए हमको, अब हाफ ईयरली की बात करते हैं, हाफ ईयरली तो मैंने ऊपर आपको कंडीशंस तो लिखी दी थी सारी की सारी। तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है हाफ ईयरली के लिए पी इंटू 1 + r, देखिए r क्या होगा यहाँ पे 10% ऊपर ही लिखा था मैंने, और n क्या हो गया 4 बार, देखिए ऊपर लिखा था यहाँ पे 4 टाइम्स, और ये क्या है 10% है, ठीक है। तो माइनस p, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में ये 10 ये 10 कैंसिल, तो यहाँ से p आ जाएगा 11/10^4 माइनस p, दिस इज इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, इफ द इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ ईयरली देन द इंटरेस्ट इज 482 मोर, मतलब कि हम लोग को अगर मैं हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरे को ईयरली से 482 रुपीज़ क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, मतलब हाफ ईयरली इज ईयरली प्लस 482, इस तरीके से ये कंडीशन। देखिए हमको बोला था कि अगर मैं उसको हाफ ईयरली कंसिडर करूँ तो मेरे को ईयरली से 482 ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो बस अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, देखिए पी इंटू 11/10^4 माइनस पी, दैट इज इक्वल्स टू 36p/25 माइनस पी प्लस 482, तो ये पी और ये पी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से मेरे पास में। अब मेरे को क्या चाहिए, बस प्रिंसिपल चाहिए था, तो यहाँ पी से यहाँ से ढूंढूंगा, देखिए कैसे पी इंटू 121, ये क्या होगा देखिए 11^4, ठीक है 11^4 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता है एक बार के लिए, या तो फिर 121 × 121 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 36p/25 दैट इज इक्वल्स टू 482, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बस एक बार एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे से 10,000, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 400 से, तो पी विल बी 121 × 121 माइनस 36 × 400 पी, ठीक है होल डिवाइडेड नीचे क्या देगा मेरे पास में 10,000 दैट इज इक्वल टू 482, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 14641 पी माइनस
14400P, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ, बस मल्टीप्लीकेशन ही किया और तो कुछ बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास में 482। ओके, तो अब मेरे पास में क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस माइनस दिस इज 241P, दैट इज इक्वल टू 482 इंटू 10,000। मैंने क्या किया, 10,000 उसको वहां ले गया, तो 482 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 241, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 42 ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल इज 20,000 रुपीज, मतलब उसने कितना अमाउंट लेंड किया था, 20,000 रुपीज उसने लेंड किया था, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।